नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साक्षी मेहता, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डेरा सच्चा सौदा में और यहाँ जानेंगे लोगों के रिव्यूज डेरा सच्चा सौदा को लेकर क्या है। तो मैम आपका नाम बताइए क्या है जी। मेरा नाम प्रियंका है। और आपकी क्वालिफिकेशन? मैंने एम कॉम किया है और JBT किया है, यहाँ से ही शास्त्री नाम जी कॉलेज ऑफ एजुकेशन से ही किया है। बट अगर आप ये देखिए कि इन्होंने मास्टर डिग्री किया, बैचलर डिग्री करी, इतने पढ़े लिखे लोग आज डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं। मीडिया वालों ने, अगर हम बात करें, मीडिया ने हमें बहुत कुछ कहा कि लोग अंधविश्वास है। अगर हम बात करें अंधविश्वास, क्या पढ़े लिखे लोगों को दिखाई नहीं देता, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहूँगी कि हमारा यहाँ पे कोई अंधविश्वास नहीं है। हमने यहाँ पे एजुकेशन की है, हमें यहाँ की एजुकेशन और एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं उनसे बहुत अच्छी लगी है। और यहाँ पे कुछ भी ऐसा हमने कुछ गलत नहीं होता देखा या नहीं होता है कभी भी यहाँ पे गलत। तो जैसा आप कहना चाहते हैं कि जैसे मीडिया ने दिखाया कि गर्ल्स स्कूल कॉलेजेस में गुफाएं थी, तो उस गुफाओं के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं देखो जी, हमने यहाँ, हम बचपन से यहाँ पढ़ते आ रहे हैं, बट हमने ऐसा कोई गुफा वगैरह नहीं देखी है, ना ही कोई यहाँ से कोई रास्ता दिखाई देते हैं। मीडिया में उन्होंने कहा रास्ते निकलते हैं, यहाँ हमने कोई रास्ते नहीं देखे हैं बिल्कुल भी। तो अगर हम एक बात करें कि गुरुजी जब इस समाज में थे तो, और अब जब गुरुजी नहीं है, तो आपको कोई चेंज लगा इस समाज में, कोई पॉजिटिव, कोई नेगेटिव, कोई बदलाव कि गुरुजी के ना होने से यहाँ पे? नेगेटिविटी में तो हम यही बताएंगे कि यहाँ पे जो जैसे नशे के प्रति बताते थे गुरुजी, टाइम टाइम पे गाइडलाइंस देते थे हमें, तो अब वो गाइडलाइंस हमें नहीं मिल पा रही है, तो ये नशे जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, उनके होने से हमें टाइम पे पॉजिटिविटी आती थी हमेशा। तो अगर आप एक दुनिया को संदेश देना चाहें, अगर हम बोलें आपके इंटरव्यू के माध्यम से, अगर आप दुनिया को कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो क्या होगा? हम गुरुजी के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि हमें ये अंधविश्वास नहीं था, हमारा पूरा उनके प्रति प्यार है और अंधविश्वास नहीं है। और हमें ये कहेंगे कि मीडिया के अनुसार नहीं चलना चाहिए, हमें अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए, माइंड यूज़ करना चाहिए। तो इन्होंने देखिए ये कह रहे हैं कि हमें मीडिया के अनुसार नहीं चलना चाहिए, हमें अपना माइंड यूज़ करना चाहिए, हमें एक चीज़ों को पहले देखना चाहिए, फिर उसके बारे में कमेंट्स देने चाहिए। तो